अध्याय 6 श्लोक संख्या 20 21 22 और 23। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति सुखमात्यान्तिकयत्ता बुद्धियाग्रमतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलिततत्त्वता यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरा नापि विचाल्यते तं विद्धा दुःखसंयोगं वियोगं योगसंजितम्। अर्थ: यत्र जिस अवस्था में उपरमेत दिव्य सुख की अनुभूति के कारण बंद हो जाती है चित्तमा मानसिक गतिविधियां निरुद्धम पदार्थ से निवृत्त योग सेवया योग के अभ्यास द्वारा यत्र जिसमें च भी एव निश्चय ही आत्माना विशुद्ध मन से आत्मनम आत्मा की पश्यना स्थिति का अनुभव करते हुए आत्मानी अपने में तुष्यति तुष्ट हो जाता है सुखम सुख आत्यनिकम परम यत जो तता वह बुद्धि बुद्धि से ग्राहम ग्रहणीय अतितेन्द्रियम दिव्य वैति जानता है यत्र जिसमें न कभी नहीं च भी एव निश्चय ही अयम यह स्थिता स्थित चलति हटता है तत्वता सत्य से यमा जिसको लब्ध्वा प्राप्त करके च तथा अपरम अन्य कोई लाभम लाभ मन्यते मानता है न कभी नहीं अधिकम अधिक ततः उससे यास्मिन जिसमें स्थित स्थित होकर न कभी नहीं दुखे ना दुखों से गुरु ना अपि अत्यंत कठिन होने पर भी विचाल्यते चलाय मन होता है तमा उसको विधाता जानो दुख संयोगम भौतिक संसर्ग से उत्पन्न दुख वियोगम उन्मलून को योग संजितम योग में समाधि कहलाने वाला। अनुवाद: सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपित नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इसमें बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्णा।